नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्यों रहनी आयुर्वेदा में। आपको बताएंगे दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में अंडे खाने के कुछ फायदों के बारे में। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि अंडे में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरी होती है। कहा जाता है एक अंडे में लगभग 75 कैलोरी होती है। वहीं नाश्ते में केवल 3 फ्राई अंडे खाने से ही लगभग 225 कैलोरी मिलती है। तो ज़्यादा अंडे खाने से इसमें मौजूद कैलोरी की उच्च मात्रा मोटापे का कारण बन सकती है। यही वजह है कि कुछ लोग ज़्यादा मात्रा में अंडे खाते हैं तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, लेकिन स्वस्थ रखने के साथ साथ अपने शरीर को और फैला लेते हैं, यानी कि उनका वजन काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। अंडे खाने से 3 हफ्तों में लगभग 1 पाउंड वजन बढ़ सकता है, यानी कि करीब आधा किलो तक वजन बढ़ सकता है। आपको बताया दोस्तों, सही तरीके से अंडे खाने का भी कुछ अलग ही फायदे होते हैं। सही तरीके से अंडे खाने का हमारा मतलब ये है कि अंडे में सारा कोलेस्ट्रॉल और फैट इसके पीले भाग में होता है, इसलिए ध्यान रखना होता है अंडे खाते वक्त इस बात का कि यदि सेहत को ध्यान रखना चाहते हैं तो अंडे को पकाने से पहले या उबालने के बाद इसके पीले भाग, जिसे योक कहा जाता है, को अलग निकाल लेना चाहिए। इस प्रकार केवल अंडे का सफ़ेद भाग यदि रोज़ भी खाया जाए तो इससे कोई नुकसान नहीं होता। यानी कि अगर सफ़ेद भाग को ही खाएं और पीले भाग को ना खाएं तो आपके जितने भी शरीर में होने वाले रोग होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल की समस्या या फैट बढ़ने की समस्या, वे सब दूर हो जाती है। कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि अंडा खाने से तेज़ी से वजन बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल की समस्या, तो उसके पीले भाग में ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल और वजन होता है, तो आप उस चीज़ को ना खाएं, बाकी सफ़ेद हिस्सा खाएं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक तरीके से पकाएं अंडे को। अंडे का सेवन करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि वह ठीक से पका है या नहीं, क्योंकि यदि अंडे को ठीक तरीके से नहीं पकाया जाए तो उसमें सालमोनेला का खतरा रहता है, जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, या तो उससे काफ़ी खतरनाक बीमारी हो जाती है। जब फूड पॉइजनिंग हो जाती है आपके काफ़ी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। अंडे को ठीक से ना पका कर खाएंगे तो कुछ और बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे सूजन, उल्टी हुई पेट की अन्य समस्याएं हो सकती हैं। हमेशा अंडा किसी अच्छी दुकान से लेना चाहिए, क्योंकि अंडे ख़राब होने से काफ़ी सारे रोग बढ़ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अंडे खाने भी नहीं चाहिए, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर वाले, डायबिटीज़, हृदय संबंधी रोगी, उन्हें पीले जो अंडे का पीला भाग होता है वह तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हृदय के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। बहुत ज़्यादा अंडे खाने से लकवा, नपुंसकता, पैरों में दर्द, मोटापे की समस्या भी हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों अंडे खाने के कुछ और अपने फ़ायदे भी हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि अंडे खाने के जो फ़ायदे हैं वे आप लोग जब पता चलता होगा जब आप जिम जाते होंगे। जिम जाने वाले व्यक्ति को यह बताया जाता है कि आप अंडे मात्रा ज़्यादा मात्रा में सेवन करिए, क्योंकि उससे आपका वजन तेज़ी से बढ़ेगा। तेज़ी से वजन बढ़ेगा तो आपके शरीर में तेज़ी से ग्रोथ होगी, उसके साथ ही आपका तेज़ी से विकास होने वाला शरीर काफ़ी हष्ट पुष्ट दिखाई देगा, जो लोगों को देखने में काफ़ी खतरनाक और साथ साथ बलवान लगेगा। यही वजह है दोस्तों कि अंडे का फ़ायदा उठाने के लिए उसको सही तरीके से खाएं। कोलेस्ट्रॉल और अन्य बीमारी से बचना चाहते हो तो अंडे के पीले वाले हिस्से को फेंक दें, सफ़ेद हिस्सा खाएं। मोटापे का बढ़ने का वजन अगर खतरा मंडरा रहा है तो 3 से ज़्यादा अंडे या ना खाएं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।